السلام عليكم، خبر داري بچو؟ Okay, great. Welcome back. Saturday ago, we didn't have the class because there was a meeting going on. So today we will continue. हमने sixth chapter को पढ़ना शुरू कर दिया था, I guess. We already started discussing the sixth chapter. हमने sixth chapter में perception को define कर लिया था. हमने sixth chapter के अंदर the sources of perception ये हमने discuss कर लिए थे. Perception को determine करने वाले factors कौन-कौन से होते हैं? फिर हमने perceptual process को discuss किया था. ये तीन stages होती हैं: selection, organization and interpretation. There are three stages of perceptual process. Perception के अंदर आप information को पहले select करते हैं, फिर आप उसे organize करते हैं, और फिर वो information जो है वो interpret होती है. और interpretation जो है that is where the difference comes. जो डिफरेंस है परसेप्शन का वो इंटरप्रिटेशन के लेवल पे होता है. यहाँ पे आके हम हर कोई अपनी मर्जी का मतलब अखस करता है. ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन अरेंज होती है आपके माइंड में और डीकोड होती है. और अगर वो डीकोडर आपके जहन में मौजूद नहीं है तो इंफॉर्मेशन इज देयर बट इट इज़ नॉट एबल टू बी सेंस्ड आउट. उसका कोई सेंस नहीं बनेगा. जैसे उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है, एग्जाम्पल है कि हम कुरान पढ़ते हैं, अरेबिक लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, हम समझते नहीं हैं. वी डोंट नो हाउ टू रीड इट बट वी डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट इट. तो जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो अरेबिक लैंग्वेज जो है वो सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन तक रहती है. परसेप्शन जो है वो इंटरप्रिटेशन तक नहीं जा पाती. वो इसलिए नहीं जा पाती कि सेंस मेकिंग नहीं हो रही होती ना, कि आपको उन वर्ड्स का मतलब नहीं पता, या आपको ये नहीं पता कि ये वर्ड्स हैं किस कॉन्टेक्स्ट में कहे गए थे. तो यू बिकम अ बिट कॉट अप. ठीक. तो लैंग्वेज जो है, अगर इसके दिमाग, अगर आपके दिमाग में लैंग्वेज का डिकोडर मौजूद नहीं है तो लैंग्वेज सिर्फ ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. ओके. सेंसेशन परसेप्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किया था. सेंसेशन और परसेप्शन में क्या फ़र्क होता है? कि सेंसेशन जो है ये आपकी फाइव सेंसेस से रजिस्टर्ड होती है. That is registered through your five senses. और आपकी जो पांच बुनियादी हिस्से हैं वो डिफाइन करती हैं आपकी सेंसेशन को. इसके बरक्स जबकि जो हमारी परसेप्शन है ये अनलिमिटेड वेज में होती. देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज इन विच इंडिविजुअल्स परसीव द सेम इंफॉर्मेशन. ठीक है. ये भी हमने डिस्कस किया था, पर हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई जोक क्रैक करता है कोई इंडिविजुअल, किसी के लिए वो जोक फनी है तो किसी के लिए वो जोक जो है वो उसको वो ऑफेंसिव हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा. या दो लोग एक ही फूड डिश ट्राई करते हैं, एक के लिए वो टेस्टी है, एक के लिए वो बहुत पथेटिक है. या दो लोग एक ही पीस ऑफ म्यूजिक सुनते हैं, एक को पसंद आता है, एक को पसंद नहीं आता. या वैन यू मूव टूवर्ड्स अ बिल्डिंग, तो आपको लगता है कि बिल्डिंग बड़ी हो गई है, हालांकि बिल्डिंग उतनी की उतनी है, आप करीब हो रहे हैं, आपकी परसेप्शन चेंज हो रही है. योर परसेप्शन इज टेलिंग यू दैट इट द सेम बिल्डिंग, इट्स साइज डज नॉट चेंज. इसी तरह एक बड़ी कॉमन हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, जब हम ट्रेवल करते हैं अपने शहर की तरफ तो हम कहते हैं जी कि लाहौर आ गया. लाहौर नहीं आता, हम लाहौर पहुँच जाते हैं एक्चुअली. ठीक है, लाहौर वहीं है. या इस्लामाबाद आ गया, इस्लामाबाद नहीं आता, एक्चुअली वी हैव रीच इस्लामाबाद. तो ये भी परसेप्चुअल डिफरेंस है. इसी तरह फिर हम अक्सर कहते सुना होगा आपने, कपड़े छोटे हो गए, जूते छोटे हो गए. जूते छोटे नहीं होते, कपड़े छोटे नहीं होते, आप बड़े हो जाते हैं. तो ये सारे परसेप्चुअल डिफरेंसेस हैं. ऑल ऑफ दीज आर द परसेप्चुअल डिफरेंसेस. ठीक है. तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी और इसके फैक्टर्स. परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी क्या होती है? हर इंसान डिफरेंटली इंफॉर्मेशन को परसीव करता है. देखें, एक वक्त में आपका जो दिमाग है ना वो बेशुमार इंफॉर्मेशन सोर्सेज से बम्बार्ड हो रहा होता है. मतलब एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसानी दिमाग जो है वो 5000 इंफॉर्मेशन सोर्सेज से बम्बार्ड हो रहा होता है. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस सारी इंफॉर्मेशन सोर्सेज को कैप्चर कर सकें. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यू कैन कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन सोर्सेज. मतलब इस वक्त आपका जो दिमाग है उसको मल्टीपल
इंफॉर्मेशन बम्बार्ड कर रही हैं, आपके जो पांच सेंसेस हैं उन पांचों सेंसेस को मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। मैं बोल रहा हूँ, सेंस ऑफ हेयरिंग इसे कैप्चर कर रही है, आप अपने बेडरूम में, अपने लेट से लैब में कहीं भी बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द एक एनवायरनमेंट है, उसमें लोग मूव कर रहे हैं, आपके सामने आपका लैपटॉप है, स्क्रीन है, आपका मोबाइल है, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं जो आपको स्टिमुलेट करती हैं और आपकी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि लोग उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को तवज्जो दें। पीपल विल ओनली सिलेक्ट अ फ्यू स्टिमुलाई आउट ऑफ मेनी स्टिमुलाई विच दे एनकाउंटर एट अ गिवन टाइम। तो ये जो सिलेक्टिविटी होती है ना, कि हम सिर्फ कुछ ख़ास इंफॉर्मेशन सोर्सेज को परसीव करते हैं या हम सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्टिविटी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। कुछ फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स कहलाते हैं, कुछ फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। देर आर सम फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड देर आर सम फैक्टर्स विच आर इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, ये आप जिस चीज़ को परसीव कर रहे हैं उस चीज़ के फैक्टर्स हैं, और इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, ये जो परसीवर है ये उसके फैक्टर्स हैं, जो परसीव कर रहा है उसके फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, ये इंटरनल होते हैं, आपके अपने होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, ये ऑब्जेक्ट के अंदर पाए जाते हैं। और दोनों फैक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। सिचुएशन दी जाए और कहा जाए बताएं किस फैक्टर की बेस पे परसेप्शन अफेक्ट होगी, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, और इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि परसेप्शन को डिफाइन करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज हैबिट। आपका जो हैबिट, आप जो आपके हैबिट्स हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि आप किस तरह सिचुएशंस को और डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को परसीव करेंगे। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, आप किसी क्राउड में जा रहे हैं और अगर आप एकदम अपना नाम सुनते हैं तो फौरन मुड़ के देखते हैं किसी ने आपका नाम पुकारा। अब हो सकता है वो किसी और को बुला रहा हो, लेकिन चूंकि नाम आपका है तो आप हैबिचुअल हैं अपने नाम पर रिस्पॉन्ड करने के। ऐसे ही होता है ना, इफ़ समवन कॉल्स योर नेम तो आप फौरन जी कहते हैं, आप फौरन जवाब देते हैं, क्योंकि यू आर नाउ हैबिचुअल टू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन। इसी तरह आपकी बुक में एग्जांपल देता है कि एक रिटायर्ड फौजी जो है, अब सड़क पे अगर एकदम किसी गाड़ी का टायर फटता है तो फॉर अ नॉर्मल पर्सन दैट इज़ जस्ट अ टायर ब्लो आउट, लेकिन अगर एक रिटायर्ड फौजी वहाँ पे खड़ा होगा तो उसे लगेगा कि एकदम बम ब्लास्ट हो गया और फौरन कवर ढूंढेगा, ही विल टेक कवर, क्योंकि वो हैबिचुअल है कि उसके नज़दीक ऐसी आवाज़ सिर्फ तभी आती है जब कभी ब्लास्ट होता है। सो ही विल ट्राई टू यू नो लुक फॉर कवर, ही विल टेक कवर और ही विल जस्ट यू नो ट्राई टू हाइड हिमसेल्फ इफ़ ही हियर अ टायर ब्लो आउट। इसी तरह आपकी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी भी परसेप्शन को डिफाइन करती है। परसीवर की जो पर्सनालिटी है और जो उसके अंदर जो स्टिमुलेटर्स हैं, ये इम्पैक्ट करते हैं आपके परसेप्शन के प्रोसेस को। पर्सनालिटी के अंदर आपकी एज भी आ जाती है, आपका जेंडर भी आ जाता है, आपकी रेस भी आ जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं। जैसे आपने वो एक्सपेरिमेंट सुना होगा ना, हाफ एम्प्टी ग्लास हाफ फुल ग्लास, रिमेंबर दैट एक्सपेरिमेंट? सुना, एक ग्लास में अगर वाटर लेवल 50% है तो आप वो ग्लास का वो पानी का ग्लास आप किसी के सामने रखें तो कोई देख के कहेगा कि ये आधा भरा है और कोई देख के कहेगा कि ये आधा खाली है। अब जो जिसे उसमें एम्प्टीनेस नज़र आ रही है वो उसकी पर्सनैलिटी है, और जिसे उसमें पानी नज़र आ रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी, ठीक है? तो इसे अब नॉर्मली पर्सनैलिटी टेस्ट या बड़ा मशहूर है कि जो एम्प्टीनेस देखता है उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं और जो ग्लास को आधा भरा हुआ देखता है उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो ये एक टेस्ट भी है पर्सनैलिटी का, आप परसेप्शन से पर्सनैलिटी को मेजर भी कर सकते हैं कि लोग कैसे परसीव करते हैं, दैट कैन हेल्प यू इन मेजरिंग योर परसेप्शन, ठीक है ना? आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे आप मेजर कर सकते हैं परसेप्शन। इसी तरह मोटिवेशन और इंटरेस्ट लेवल्स हैं आपके, वेरिंग लेवल ऑफ मोटिवेशन, वेरिंग लेवल ऑफ इंटरेस्ट। अब मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं, इससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी हुई है सख्त किस्म की, अब आपकी मोटिवेशन है कि आपने प्यास बुझानी है, और अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ढूंढेंगे किसी फाउंटेन को या किसी वाटर कूलर को या किसी ऐसे ग्रॉसरी स्टोर को जहाँ से आप पानी परचेज करके पी सकें, तो आपकी जो मोटिवेशन है वो रेलेवेंट हो जाती है आपकी सेटिस्फेक्शन के साथ, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स के साथ, इन द ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। टुडे वी स्टार्टेड एट 140 पे स्टार्ट किए शुरू हमने, और पिछले 5 मिनट में मैंने परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी का टॉपिक स्टार्ट किया है, जो भी हमने लास्ट जहाँ तक हमने लास्ट वीक पढ़ा था। आई बिलीव हमने लास्ट टाइम सेंसेशन और परसेप्शन का डिफरेंस डिस्कस कर लिया था। सो टुडे वी हैड टू स्टार्ट विद परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी, एंड आई जस्ट टोल्ड कि परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी क्या होती है, कि एक वक्त में एक इंसान का जो दिमाग है वो बेशुमार इंफॉर्मेशन सोर्सेज को इनकाउंटर कर रहा होता है।
लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करें, ये मुमकिन नहीं है कि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको समझें। हम सिलेक्टिव होते हैं इंफॉर्मेशन को देखने में। इस वक्त आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, आपके आपके इर्द गिर्द बहुत सारी हैपनिंग हो रही होंगी ना। हो सकता है आपके कमरे में टीवी लगा हो, आपका कोई बहन भाई आपके पास बैठा काम कर रहा हो, लेकिन वो आपका बहन भाई अगर पास बैठा काम कर रहा है तो वहाँ से आने वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको इस वक्त इस ऑडियो सेशन में मिल रही है, इस वीडियो सेशन में मिल रही है। तो आप उस इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करेंगे जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, एंड यू विल ट्राई टू स्टे अटेंटिव, यू विल ट्राई टू स्टे फोकस्ड ऑन वॉट यू आर लिसनिंग। इसे कहते हैं परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल भी हैं कुछ एक्सटर्नल भी हैं। इंटरनल फैक्टर में आपके हैबिट्स हैं, हम अपने हैबिट्स के मुताबिक परसीव करते हैं। वट एवर हैबिट्स वी हैव वी परसीव अकॉर्डिंगली। हमारे हैबिट्स जो हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि हम कैसे परसीव करेंगे। हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी पर्सन डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग डिफरेंटली परसीव करते हैं सेम इंफॉर्मेशन को। जैसे मैंने अभी वो हाफ एम्प्टी हाफ फुल ग्लास वाली एग्जाम्पल दी है, इसी तरह हमारी मोटिवेशन और हमारा इंटरेस्ट लेवल है। मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं ये आपकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपको प्यास लगी है तो आप ग्रॉसरी स्टोर ढूंढेंगे, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट अ प्लेस जहाँ जाकर आप अपनी प्यास बुझा सकें। इसी तरह आपका इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड है। नॉर्मली जो लोग इकोनॉमिकली और सोशली एस्टेब्लिश्ड होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। ये रिसर्च से साबित हुआ है, इट हैज़ बीन प्रूवन थ्रू रिसर्च कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड एम्प्लॉयज हैव अ मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स डेवलपमेंट रादर देन लेस डेवलप्ड एम्प्लॉयज। इदारे जब हायरिंग कर रहे होते हैं ना, मैन ऑर्गेनाइजेशन आर हायरिंग द पीपल, तो वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म में और जॉब इंटरव्यू फॉर्म में वो ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि आपके डिपेंडेंट कितने हैं फैमिली में। और देखो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आपके फैमिली में और कितने ब्रेड अर्नर्स हैं, कितने अर्निंग हैंड्स हैं। वो ये अंदाज़ा लगाना चाह रहे होते हैं कि आपकी सोशो इकोनॉमिक क्लास क्या है। सो नॉर्मली जो लोग सोशो इकोनॉमिकली डेवलप्ड होते हैं ना, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, वो चीज़ों में पॉजिटिविटी देखते हैं। और जो लोग सोशो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड होते हैं ना, वो चीज़ों में नेगेटिविटी देखते हैं, उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लेबरर है, एक नॉन मैनेजर है, लोअर क्लास का एम्प्लॉई है, उसे अगर आप डांट देंगे किसी काम पर तो बुरा मना जाएगा। इसके बरक्स एक मिडिल मैनेजर है, अगर आप उसे डांट के कुछ कहेंगे तो वो उसको पॉजिटिवली लेगा कि मेरी मुझे सिखाने के लिए कहा है मेरे बॉस ने। तो नॉर्मली वर्क प्लेस के ऊपर जो एम्प्लॉई सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप्ड होते हैं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, उनकी परसेप्शन पॉजिटिव होती है। और वो एम्प्लॉई जो सोशो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड होते हैं, उनका एटीट्यूड भी नेगेटिव होता है। इसी तरह आपकी लर्निंग है, डिफरेंट फेजेज ऑफ लर्निंग थ्रू विच यू पास। हमारी जो परसेप्शन है ये सिनोनिमस होती है हमारी लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ। एक मैट्रिक पास के सोचने का अंदाज और एक मास्टर क्वालिफाइड के सोचने का अंदाज डिफरेंट होगा, उनकी परसेप्शन डिफरेंट होगी। इसीलिए इदारे अपने एम्प्लॉयज़ की एजुकेशन और ट्रेनिंग पे इतना काम करते हैं। वो ट्रेन इसलिए करते हैं एम्प्लॉय को ताकि उनका लेंस चेंज हो, उनका नज़रिया चेंज हो, उनकी परसेप्शन चेंज हो। तो लर्निंग से भी आपकी परसेप्शन चेंज होती है। इंशाल्लाह अभी आप कैफ लेवल में हैं, इस वक्त आपकी परसेप्शन और है। आप जब फाइनल्स में जाएंगे, जब आप फर्म में जाएंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी परसेप्शन चेंज हो गई है। आप जब और आगे जाएंगे तो यू वुड रियलाइज़ कि आपकी परसेप्शन और डेवलप हो गई है और चेंज हो गई है। तो परसेप्शन जो है आपकी लर्निंग एजुकेशन से चेंज होती है। द मोर यू लर्न द बेटर चांसेज आर देयर कि आपकी परसेप्शन डेवलप होगी, मेच्योर होगी। एंड देन यू हैव योर रोल एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपका रोल डिटर्मिन करता है कि आप कैसे परसीव करेंगे। हमें अक्सर अपने पेरेंट्स की बातें बड़ी बुरी लगती है ना, कि पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, ऐसे ही कहते रहते हैं, इनको क्या पता, पेरेंट्स को क्या पता, इनको समझ नहीं आती, ठीक है ना। ये रोल का डिफरेंस है बेसिकली। यानी वो चीज़ जो आपके लिए अच्छी है वो आपके रोल के मुताबिक अच्छी है, आपकी परसेप्शन में अच्छी है। लेकिन हो सकता है कि जब आप पेरेंट्स के रोल में जाएं तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी ना हो। तो पेरेंट्स अगर आपको कुछ गाइड करते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो उसमें एक मैसेज होता है, उसके अंदर एक मीनिंग होता है। तो यू शुड टेक इट वेरी पॉजिटिवली। नॉर्मली टीनएजर्स जो हैं, स्पेशली जिस एज ग्रुप से आप लोग बिलोंग करते हैं, वी आर नॉर्मली अगेंस्ट आवर पेरेंट्स। जनरली ये देखा गया है कि टीनएजर्स ना पेरेंट्स के बड़े अगेंस्ट हो जाते हैं एक स्टेज पे आके, क्योंकि उन्हें लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, आपको आपके हाल पे नहीं छोड़ रहे। इसी एट टाइम्स यू फील के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रहे हैं आपकी लाइफ में।
ठीक है, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपने फैसले खुद करने थे। इस तरह की स्टेटमेंट्स अक्सर हमारे जहन में गूंजती हैं, हम कहना भी चाहते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स अपने पेरेंट्स को, लेकिन रोल का डिफरेंस है। तो किसी ने बड़ी प्यारी बात की, लिखा हुआ था कि एक जगह के, बाय द टाइम यू रियलाइज दैट योर फादर वॉज राइट, यू ऑलरेडी हैव अ सन हु थिंक्स यू आर रॉन्ग। जब तक आप इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि आपके अब्बा जी सही कहते थे, तब तक आपका अपना बेटा आ चुका होता है दुनिया में जो समझता है कि आप गलत हैं। एग्जैक्टली, देर आर पीपल। मतलब अगेन, हर फैमिली में एक डोमिनेटिंग रोल होता है, वेदर इट्स गोइंग टू बी योर फादर और योर मदर। ठीक है, नॉर्मली जिस कल्चर में, जिस माशरे में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे फादर का रोल ज़्यादा डोमिनेंट होता है, मदर थोड़ा सा शेडो करती है। देर आर फैमिलीज, जैसे मैं अगर अपनी मिसाल लूँ, तो मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं शेडो ढूंढने, मदर से वो थोड़ा सा डरते हैं। तो इट वेरीज, डिपेंड करता है। एनी हाउ, तो बात हो रही है रोल की। तो जब रोल वेरी करेगा, परसेप्शन वेरी करेगी। इसीलिए जब ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो जब स्पेशलाइजेशन करवाती हैं, तो उनके रोल्स वेरी करते हैं। एग्जैक्टली। आजकल घरों में जो मदर्स हैं, बेसिकली उनका जो रोल है वो गवर्नमेंट वाला ही है, और हम गरीब आवाम है बेचारी। ठीक, वी आर द जनरल पॉपुलेशन। अच्छा, लेट्स से एनुअल रिपोर्ट इशू हुई है कंपनी में, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इशू हुई है, और ये रिपोर्ट हर डिपार्टमेंट में जा रही है। अब जैसे ये रिपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएगी, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो सबसे पहले इसमें से अपनी मर्जी की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। जैसे ही ये रिपोर्ट एचआर डिपार्टमेंट जाएगी, एचआर वाले अपनी मर्जी से परसीव करेंगे एचआर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे ही ये रिपोर्ट जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो सबसे पहले बैलेंस शीट निकालेंगे। दे विल ट्राई टू नोटिस द टेक्स्ट विच रिलेट टू देयर डिपार्टमेंट। तो जो आपका रोल होता है, आप उसी इंफॉर्मेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, जो काम आप करना होता है। ये बड़ी मजे की एक रिसर्च भी हुई, परसेप्चुअल रोल, रोल बेस्ड परसेप्शन के ऊपर एक स्टडी हुई बड़ी मजे की। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जाके पढ़ेंगे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जाके जाके बात करेंगे। तो हुआ गया, एक विनिंग क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर से पूछा गया कि आउट ऑफ 100% बताएं कि आपका कितना रोल था टीम की सक्सेस की तरफ। आउट ऑफ 100%, व्हाट डू यू थिंक योर रोल वॉज देयर टूवर्ड्स सक्सेस ऑफ द टीम। अब आइडियली 11 मेंबर्स के जो आंसर्स आने चाहिए, ऑल ऑफ दीज मस्ट ऐड टू 100 ना। कि कोई कहेगा जी मेरा 10% रोल था, कोई कहेगा मेरा 20, अगर आप रैशनल रोल की बात करें ना। तो जब सबके आंसर्स को सम अप किया गया, तो पता लगा कि आंसर आया टोटल 350%, 350%। यानी हर कोई ये कह रहा है कि मेरा रोल ज़्यादा अहम था टीम की सक्सेस में, ये उसकी परसेप्शन। अच्छा, इसी को फिर रेसिप्रोकेट किया गया। लूजिंग टीम के मेंबर से पूछा गया कि व्हाट वाज योर रोल टुवर्ड्स द लूजिंग ऑफ द गेम। अब आइडियली 100 आंसर आना चाहिए था, आंसर कितना आया 45%। हर कोई कहता है कि जी मेरा रोल कम था टीम के हारने में, दूसरे की गलती थी। जी, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इंसानी फितरत है कि हम हमेशा सक्सेस का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, और हम हमेशा फेलियर का ब्लेम देने की कोशिश करते हैं। इट इज़ नोन एज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो ये भी आपके रोल पे डिपेंड करता है ना, जो आपका रोल है वैसे ही आप परसीव करेंगे। वट एवर योर रोल इज, फॉर एग्जाम्पल एक विकेट कीपर कहेगा कि क्रिकेट मैच जीतने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस विकेट कीपिंग की। एक बाउलर, एक फास्ट बाउलर कहेगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस फास्ट बाउलिंग की, अगर आपने मैच जीतना। एक स्पिनर कहेगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो बॉल को स्पिन करने की, गुगली कराने की। एक ओपनिंग बैट्समैन कहेगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो क्रिकेट के जीतने में वो आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप की है। गेटिंग द पॉइंट? तो आपका जो रोल होता है वो डिटरमिन करता है कि आप किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और किस चीज़ को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। ओके, इसी तरह के देर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर उस ऑब्जेक्ट में पाए जाते हैं जिसको आप परसीव कर रहे होते हैं। इंटरनल फैक्टर परसीवर के होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर परसीव्ड के होते हैं, जिसे परसीव किया जा रहा है। ये परसीव्ड कोई इंसान भी हो सकता है, ये परसीव्ड कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है। जिस चीज़ के बारे में आप राय कायम कर रहे हैं वो परसीव्ड है। ठीक है, नॉवल ऑफ द फैक्टर इज नॉवल्टी एंड फेमिलियरिटी। नॉवल कहते हैं यूनिकनेस को, समथिंग विच इज़ यूनिक।
जो चीज़ जितनी यूनिक होगी उतनी जल्दी तवज्जो का मरकज़ बनेगी, उतनी जल्दी आपकी अटेंशन खींचेगी। फॉर एग्जांपल आप सड़क पे जाते हैं, रोड पे, तो आप बीसियों गाड़ियां चल रही हैं लेकिन आपकी तवज्जो बीएमडब्ल्यू पे या मर्सिडीज पे जाती है फौरन, क्योंकि यूनिक है, नॉवल है, यूनिकनेस बहुत आई है। जितनी कोई चीज़ नॉवल होगी उतनी ज़्यादा अटेंशन कैप्चरिंग होगी। इसी तरह फेमिलियरिटी, नॉवल ऑब्जेक्ट इन अ फेमिलियर सिचुएशन और अ फेमिलियर ऑब्जेक्ट इन अ नॉवल सिचुएशन। आप किसी क्राउड में जा रहे हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और वहाँ आपको कोई जानने वाला नज़र आ गया तो एकदम आप फ़ौरन अटेंटिव हो जाएंगे और आप उसे सलाम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई कॉलेज का दोस्त है जो किसी नॉवल सिचुएशन में मिल गया आपको, कहीं ट्रैवल करते हुए मिल गया, तो आप ज़्यादा बातचीत करेंगे। अगर वही आपका कॉलेज फेलो रोज़ आप कॉलेज में देखते हैं, आप उसे बात ही नहीं करते, किसी तो एक नॉवल ऑब्जेक्ट फेमिलियर सिचुएशन में हो या फेमिलियर ऑब्जेक्ट एक नॉवल सिचुएशन में हो, दोनों केसेस में आपकी अटेंशन का मरकज बनता है, आपकी तवज्जो को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह मोशन है, मोशन कहते हैं मूवमेंट को। मूविंग ऑब्जेक्ट कैप्चर अटेंशन मोर एज कम्पेयर टू स्टैटिक ऑब्जेक्ट। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है हंटिंग के अंदर। हंटर जब हंट कर रहा होता है शिकार को तो वो बड़ा स्टैटिक होता है, क्योंकि वो जैसे ही हिलता है फ़ौरन शिकार को पता लग जाता है कि यहाँ कुछ है और वो फ़ौरन भाग जाता है। या आप टीवी के एड्स देख लें, टीवी कमर्शियल्स जो हैं ये भी मोशन पिक्चर ग्रुप यूज़ करते हैं ना, एमपीजीज़ यूज़ करते हैं आपको दिखाने के लिए। लोग नाचते हुए दिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं, ताकि मोशन जो है आपका वो हमेशा आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। इंडिविजुअल अटेंड टू चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स मोर क्विकली एज कम्पेयर टू स्टैटिक ऑब्जेक्ट। रेपिटेशन, जितनी कोई चीज़ रिपीट होगी उतनी ज़्यादा आपकी तवज्जो को एक्वायर करेगी। ये अगेन जो मार्केटिंग वाले जो टीवी पे एड्स दिखाते हैं, ये एक ही मैसेज बार बार रिपीट करते हैं, एक ही एड में अपना ब्रांड नेम बार बार रिपीट करते हैं। दे आर ट्राइंग टू शो यू, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कैप्चरिंग योर अटेंशन बाय गिविंग यू द सेम मैसेज ओवर एंड ओवर अगेन। यानी एक ही एडवर्ट में, एक ही टीवी के एडवर्ट में कंपनी का ब्रांड नेम बार बार आता है, कंपनी का कलर कॉम्बिनेशन बार बार दिखाते हैं, डिफरेंट वेज में दिखाते हैं। कंट्रास्ट, जितना किसी ऑब्जेक्ट में कंट्रास्ट होगा उतनी तवज्जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतनी जल्दी उसे आप परसीव करेंगे। क्रिकेट मैचेस में आप देखते हैं ना, जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है तो सामने एक स्क्रीन लगी होती है ब्लैक कलर की, उस स्क्रीन वो ब्लैक स्क्रीन जो है वो बेसिकली कंट्रास्ट क्रिएट करती है ना वाइट बॉल के साथ। आपने नोट किया होगा कि जब उस स्क्रीन के आगे कोई बंदा मूव कर रहा होता है तो बैट्समैन पीछे हो जाता है ना। पहले कहते हैं कि स्क्रीन को स्टैटिक करो और स्क्रीन को सब क्लियर करो ताकि मैं फोकस कर सकूं बॉल के ऊपर। यू नो दैट ना, ये पता है सबको ना, क्रिकेट सारे देखते हैं, क्योंकि कंट्रास्ट हाई हो जाता है। अ वाइट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ ब्लैक बैकग्राउंड इज मोर प्रोमिनेंट एज कम्पेयर टू अ वाइट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ येलो बैकग्राउंड। वेरी सिंपल, ठीक है, जितना कंट्रास्ट ज़्यादा होगा उतनी परसेप्शन आपकी क्विक होगी। इसी तरह साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतनी जल्दी तवज्जो खींचेगा। सड़क पे चलती हुई मेहरान पे नहीं जाती तवज्जो, लैंड क्रूजर पे जाती है तवज्जो, क्योंकि लैंड क्रूजर जो है वो उसका साइज बहुत बड़ा है। रोड पे जब मेहरान चल रही होती है तो वी आर लीस्ट बॉदर्ड, और जब हम लैंड क्रूजर गुजरती है हम एकदम देखते हैं, क्योंकि वो साइज गाड़ी का बड़ा होता है। तो जितना गाड़ी का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा उसके अंदर जो है वो आपके लिए अटेंशन ज्यादा आपकी एक्वायर करेगा। एंड देन वी हैव इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कहते हैं मैसेज या जो स्टिमुलस है एग्जैक्टली। इसी तरह बिग बिलबोर्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट, इसलिए महंगे भी होते हैं। बड़े बिलबोर्ड दूर से नज़र आ जाते हैं आपको, एग्जैक्टली, इसीलिए उनके ऊपर एडवर्टाइज करना एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। उनके ऊपर मैसेज को थ्रो करना एक्सपेंसिव होता है। जितना मैसेज इंटेंस होगा उतनी जल्दी अटेंशन कैप्चर करेगा। जितना लाउड म्यूजिक लगा होता है फ़ौरन तवज्जो जाती है वहाँ पे। इसी तरह जितने ब्राइट कलर्स होते हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग ओडोर होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी महफिल में बैठे हैं और वहाँ पे कोई बंदा बड़ा पंजेंट परफ्यूम लगा के आया है, बड़ा तेज़ परफ्यूम लगाया है, तो फ़ौरन आपकी तवज्जो जाती है कि ये खुशबू किसने लगाई हुई है, ये वाला परफ्यूम किसने लगाया हुआ है। ऐसे तो दैट कैप्चर योर अटेंशन वेरी क्विकली। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिर इन तमाम की तमाम चीज़ों को यूज़ करती हैं परसेप्चुअल प्रोसेस को समझने के लिए, एम्प्लॉयज़ के और एम्प्लॉय परसेप्शन को बेहतर करने के लिए। ये क्वेश्चन पेपर में दो दफ़ा आ चुका है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ चुका है और सिनेरियो बेस्ड भी आ चुका है. ओके, नेक्स्ट वी हैव परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन इन डीलिंग विद अदर्स. हम कैसे डील करते हैं दूसरों के साथ, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं डीलिंग विद अदर्स के साथ. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को ये एजाज हासिल है कि इसमें से क्वेश्चन आया था पेपर में, एक ही पेपर में दो सवाल आए थे. एक क्वेश्चन में एग्जामिनर ने इसके ऊपर आपसे डिस्क्रिप्शन पूछी थी, डिस्क्राइब करने को कहा था, और दूसरा क्वेश्चन जो है दैट वाज सिनेरियो बेस्ड. उसमें सिचुएशन दी गई थी और सिचुएशन दे के कहा गया था बताएं कौन कौन सी सिचुएशन में कौन कौन सा एरर एग्जिस्ट कर रहा है या यूज़ हो रहा है. सो दोनों किस्म का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स. और ये और इसी क्वेश्चन को ये एजाज भी हासिल है कि कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में, आगे पीछे अटेम्प्ट्स में ये वाला क्वेश्चन टेस्ट हो चुका है पेपर में. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें अभी आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा. इंसान कभी भी रैशनली परसीव नहीं करता, हम कभी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर परसीव नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, आप खड़े हैं रोड साइड पे और एक यंग सा लड़का बड़ी तेजी से गाड़ी, यू नो, स्क्रीचेस मारता हुआ गाड़ी लेके गुजरा आपके सामने से. पहला ख्याल आपके जहन में आएगा क्या शोखा इंसान है भाई, हो सकता है कि उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो सकता है कि उसने किसी कहीं इमरजेंसी में जाना हो, कोई कोई प्रॉब्लम हो. लेकिन हम शॉर्टकट यूज करते हैं, हम वी इमीजिएटली जज द बुक बाय द कवर. ठीक है, हमारे नज़दीक गाड़ी अगर कोई रैश चलाएगा तो वो शोखे पने की निशानी है, हालांकि इट इज़ नॉट द केस. अच्छा, वाइस वर्सा भी ट्रू है. आप खड़े हैं, एकदम गाड़ी बड़ी स्पीडली गुजरी आपके पास, आप ये सोचें हो सकता है ऐसे कोई इमरजेंसी हो, लेकिन रियलिटी में हो सकता है वो शोखा हो रहा हो. इसी तो वी डिस्क्राइब द सिचुएशन एंड वी मे ड्रॉ एन इनकरेक्ट कंक्लूजन थ्रू सम बायस. किसी बायस की वजह से हम इनकरेक्ट कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो देयर आर फाइव परसेप्चुअल एरर्स, इन्हें परसेप्चुअल एरर्स कहते हैं, ये टोटल पांच हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज हेलो इफेक्ट. हेलो इफेक्ट का मतलब होता है कि हम किसी के बारे में एक जनरल राय कायम कर लेते हैं, हम किसी का एक जेनेरिक इंप्रेशन ड्रॉ कर लेते हैं बेस्ड ऑन अ सिंगल एट्रीब्यूट और अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो है वो पंक्चुअल नहीं है, टाइम पे नहीं आता, तो आप कहेंगे ये बंदा ही खराब है, हालांकि हो सकता है उसमें और बहुत सारी खूबियां हों, लेकिन आपने सिर्फ एक एट्रीब्यूट की बेस पे उसको नेगेटिव रेट कर दिया. यानी आप हर इंसान को एक या दो फीचर्स की बुनियाद पर उसकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में आप एक राय कायम करने से हेलो इफेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ सीनियर मैनेजर मे कंक्लूड कि एक एम्प्लॉई को प्रमोट कर देना चाहिए एक मैनेजर के लेवल पे क्योंकि उसने एक आउटस्टैंडिंग टेक्निकल इन्वेंशन दी है. हालांकि इन रियलिटी हो सकता है कि वो इंडिविजुअल एक एक्सीलेंट टेक्नीशियन तो है लेकिन एक अच्छा मैनेजर नहीं है. तो यू शुड ऑल्सो लुक एट द अदर एस्पेक्ट एज वेल ना, कि उसकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, उसकी लीडरशिप स्किल्स कितनी अच्छी हैं, वो कितने अच्छे वे में डील करता है दूसरों के साथ, टीम बिल्डिंग करता है कि नहीं करता. सिर्फ इसलिए कि उसने टेक्निकल इन्वेंशन दी है आप उसे प्रमोट कर दें, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, सॉरी. तो हेलो इफेक्ट जो होता है ये बेसिकली डिफाइन करता है कि आप किसी एक फीचर की बुनियाद पे किसी को आप टोटलिटी में परसीव कर लेते हैं. अच्छा, यही हाल एक और एग्जांपल है सेलिब्रिटीज की, पब्लिक फिगर्स की. अब टीवी पे आप देखते हैं सेलिब्रिटीज को तो वो जिस तरह एक्ट करते हैं उनके बारे में हम वही राय कायम कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉमेडियन है, अब वो कॉमेडियन जो है वो अगर बहुत ज़्यादा कॉमेडी करता है टीवी पे तो हमें लगता है कि ये बंदा रियल लाइफ में भी फनी होगा, ये रियल लाइफ के अंदर भी फनी होगा, लेकिन हो सकता है कि वो रियल लाइफ में उतना सीरियस. तो वी परसीव द पीपल एज सक्सेसफुल, अट्रैक्टिव, लाइकेबल एंड वी ऑल्सो सी देम एज काइंड, इंटेलिजेंट एंड फनी, जबकि इट इज एंटायरली पॉसिबल. जैसे उमर शरीफ का नाम सुना होगा ना आपने, बड़ा मशहूर कॉमेडियन है हमारा पाकिस्तान का, उमर शरीफ. अब उमर शरीफ से मुझे मिलने का इतफाक हुआ तो ही इज अ वेरी सीरियस मैन. अब मेरी परसेप्शन थी कि जिस तरह टीवी पे और वो शोज में आकर जिस तरह वो फनी रोल प्ले करता है, जोक्स क्रैक करता है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ही वुड बी फनी इन रियल लाइफ एज वेल, बट ही इज अ डैम सीरियस गाय. उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तक नहीं आती व्हेन यू मीट हिम. रोवन एटकिंसन नाम सुना है, मिस्टर बीन के नाम से जानते होंगे.
अब टीवी पे मिस्टर बीन को देखें अगर आप, तो यू वुड सी कि ये बंदा ही ऐसा है, ये कितना फनी। लेकिन अगर आप रॉबर्ट एटकिंसन के को इंटरव्यू देखें, ही इज़ अ पीएचडी बेसिकली, ही इज़ अ डॉक्टर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, पीएचडी है, ही इज़ अ वेरी लिटरेट गाय। वो मिस्टर बीन जैसी उल्टी सीधी वो हरकतें करता है, दैट्स समथिंग डिफरेंट स्टोरी, बट इज़ अ वेरी लिटरेट गाय। अब वो रियल लाइफ में कैसा है हमें नहीं पता। इसी तरह हॉलो इफेक्ट कहता है, एक आर्ग्यूएबली हेलो इफेक्ट जो है, ये स्टाफ अप्रेजल्स में भी इसका बायस बड़ा हाई होता है। तो सुपरवाइजर जो है, ही और शी माइट बायस द होल अप्रेजल बेस्ड ऑन हाउ दे रेट टाइम कीपिंग ऑफ द एम्प्लॉय। एक बंदा अगर सिर्फ पंक्चुअल नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन आप सिर्फ पंक्चुअलिटी की बेस पे उसे लो रेट कर दें, आप उसकी रैंकिंग लो कर देंगे। इट इज पॉसिबल दैट द पर्सन हु हैज द वर्स्ट टाइम कीपिंग, वो बंदा जिसकी टाइम कीपिंग वर्स्ट हो, शायद वो हाईली प्रोडक्टिव रहा हो। तो यू नीड टू लुक एट अदर फैक्टर्स एज वेल। आपने किसी एक फीचर पे या किसी एक करेक्टरिस्टिक की बेस पे आपने 100% किसी को परसीव नहीं कर लेना होता, इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। द सेकेंड इज स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी इंसान को जज करें बेस्ड ऑन योर प्री हेल्ड परसेप्शन ऑफ दैट ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग्स। आपकी परसेप्शन है कि शेख कंजूस होते हैं। अब आपका दोस्त है वो शेख है, तो आप अगर परसीव कर लेंगे ये भी कंजूस होगा, ये है स्टीरियोटाइपिंग। यानी आप किसी एक इंडिविजुअल को परसीव करते हैं किस बेस पे, अपनी उस परसेप्शन की बेस पे जो उस ग्रुप के बारे में आपने राय कायम की हुई है जिससे वो इंडिविजुअल बिलोंग करता है। इसी तो व्हेन यू जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेप्शन ऑफ दैट ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग, इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। शेख है, अच्छा कंजूस ही होगा, बट साहब मैं बहुत खाते होंगे। इसी डिफरेंट कास्ट की हमने परसेप्शन बनाई हुई है ना, ठीक है, पठान है बड़ा मेहनती होगा, ठीक है, या सरदार है बेवकूफ़ी होगा। इसी यह स्टीरियोटाइपिंग। अच्छा, स्टीरियोटाइपिंग जो है ये मैनिफेस्ट करती है लोगों की अटैचमेंट के साथ कि वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एज, जेंडर, फिजिक, एथनिसिटी। अब ये स्टीरियोटाइपिंग है कि बूढ़े लोग जो है वो ज़्यादा बीमार होते हैं, दैट इज़ अ स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हो सकता है कि बूढ़े लोग कम बीमार होते हैं, ठीक है, बट दिस इज हाउ वी स्टीरियोटाइप। अच्छा, स्टीरियोटाइप इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, इट इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेट, प्रोवाइडेड कि स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग ट्रू होनी चाहिए। अगर आपकी स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग ट्रू है, तो स्टीरियोटाइपिंग हमेशा नेगेटिव ट्रेट नहीं होता। इट इज़ नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव ट्रेट, एट टाइम्स इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव ट्रेट, ये पॉजिटिव भी होता है। ये आपको अलाउ करता है कि आप कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं अराउंड यू, यू आर एबल टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड अराउंड यू। तो स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट एन ऑलवेज अ वेरी यू नो नेगेटिव ट्रेट, प्रोवाइडेड कि स्टीरियोटाइपिंग इनएक्यूरेट ना हो, ये एक्यूरेट हो। अगर स्टीरियोटाइपिंग एक्यूरेट है तो ये अच्छा शॉर्टकट है, इसको यूज करते हुए आप जल्दी से परसीव कर लेंगे। लेकिन अगर स्टीरियोटाइपिंग एक्यूरेट है, हाँ एग्जैक्टली, जब स्टीरियोटाइपिंग है जी, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेसफुल होते हैं, और ये एक्यूरेट भी है, बिल्कुल ही एक्यूरेट है, तो ये आपके लिए, आपके लिए फिर कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज कर देता है। यानी आपको ये पता लग जाता है कि भाई अगर कामयाब होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, एशियंस आर स्मार्ट। एग्जैक्टली, ये भी स्टीरियोटाइपिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि आप किसी एक ग्रुप की परसेप्शन की बेस पे एक इंडिविजुअल को रेट कर दें जो उस ग्रुप से बिलोंग करता है, जो उस ग्रुप से बिलोंग करता है उसे आप रैंक कर दें बेस्ड ऑन योर परसेप्शन ऑफ द ग्रुप। ओके, सिलेक्टिव, हाँ पाकि एग्जैक्टली, दैट वाज अ वेरी पैथेटिक स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग। अभी भी आप देखें ये स्टीरियोटाइप्स ही है ना, ये अमेरिकन जो हैं, ये जिन नामों के साथ लेट से मोहम्मद लगा होता है, या जिन नामों के साथ जिस तरह के वर्ड्स लगे होते हैं, वो फ़ौरन उनको ज़्यादा सिक्योरिटी चेक से गुजारते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी चेक्स बढ़ जाते हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन, ये भी हमने काफ़ी डिटेल में बात की है कि हम सिलेक्टिवली परसीव करते हैं बेस्ड ऑन आर इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, बैकग्राउंड। ये ऊपर अभी हमने काफ़ी थॉरली इसके ऊपर बात कर ली है, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, सो वी हैव थॉरली टॉक्ड अबाउट दिस वन। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ओके, लेट सपोज यू हैव टू टीम्स, फोर मेंबर्स,
आपने सेल्स टारगेट दिया दोनों टीम्स को 80% का, ठीक। ये लेट्स से क्वार्टर टारगेट था आपका, क्वार्टरली टारगेट दिया आपने सेल्स टीम को 80% सेल्स मीट करते हैं। दिस इज टीम ए, दिस इज टीम बी, तीनों दोनों टीम में चार चार मेंबर हैं। मेंबर ए जो है इसने टारगेट मीट किया 95% का, मेंबर बी ने टारगेट मीट किया 98% का, मेंबर थ्री ने टारगेट मीट किया 89% का, मेंबर फोर ने टारगेट मीट किया 99% का, अ वेरी हाई परफॉर्मिंग टीम। अब अगर इस टीम को देखा जाए तो जो मेंबर थ्री है इसकी परफॉर्मेंस बाकियों से लोएस्ट है, लेकिन अगर आप इसे टारगेट से कंपेयर करें तो इसने अच्छा काम किया, ही हैज मेट द जॉब, ही हैज मेट द टारगेट, ही हैज डन द जॉब। लेकिन जब आप इस टीम को इवेलुएट करेंगे तो आप मेंबर थ्री को पुअरेस्ट परफॉर्मर कहेंगे, क्योंकि आप इसकी परफॉर्मेंस को कंट्रास्ट में देख रहे हैं एज कंपेयर टू द अदर परफॉर्मर्स। सो इंस्टेड ऑफ परसीविंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्सन ऑब्जेक्टिवली, यू विल परसीव दिस पर्सन सब्जेक्टिवली इन कंपेरिजन टू अदर मेंबर्स। इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। यानी अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो 89% वाला जो है इसकी परफॉर्मेंस एडिक्वेट है, ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब एज कम्पेयर टू योर टारगेट। लेकिन हम इसकी परफॉर्मेंस को एवरेज डाउन कर देंगे, इसे नीचे ले आएंगे, हम इसकी परफॉर्मेंस को कम कहेंगे क्योंकि बाकियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, इसके बाद टीम बी देखें। टीम बी का जो पहला मेंबर है इसने टारगेट मीट किया है 75%, दूसरे ने टारगेट मीट किया है 76%, तीसरे ने टारगेट मीट किया है 70% और चौथे ने टारगेट मीट किया है 68%। ओके, अब इस केस में क्या हो रहा है? अब इस केस में जो टॉप परफॉर्मर है इसको अगर आप देखें तो इवन दो ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस कम है टारगेट से, लेकिन बाकियों से, सॉरी नॉट दिस वन, दिस 76%, चलें इसे कम कर देते हैं, 73 कर देते हैं। सो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकियों से बहुत कम है, बाकियों से बहुत ज़्यादा है लेकिन एवरेज से कम है। बट यू विल से कि इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया भाई, यू विल एवरेज अप हिज परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर पुअर परफॉर्मर्स। इसे भी कंट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं। सो नटशेल में कंट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ इवेलुएटिंग ऑब्जेक्टिवली वी ट्राई टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल, और हम कंट्रास्ट में देखते हैं परफॉर्मेंस को, हम परफॉर्मेंस को कंट्रास्ट में देखते हैं। सो रादर देन इवेलुएटिंग समवन ऑब्जेक्टिवली, यस यू कैन से दैट, हाँ यस, लेकिन स्टिल, लेकिन टीम तो एक ही है ना, टीम तो एक ही है, तो अगर इस टीम की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाए देन व्हाट विल यू डू। सो कंट्रास्ट इफेक्ट डिस्क्राइब करते हैं व्हेन समवनस इवेलुएशन ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टरिस्टिक इज स्क्यूड, स्क्यूनेस आ जाती है विद अदर पीपल रिसेंटली एनकाउंटर्ड हु रैंक हाई और लो ऑन द सेम कैरेक्टरिस्टिक। ये बाकी लोग जो आपने रिसेंटली एनकाउंटर किए हैं, वन आया जी 95% लेके, टू आया 98% लेके, जब फोर आया 89 पे, आप कहेंगे तुमने तो कोई काम ही नहीं किया, हालांकि एक्चुअली देखा जाए तो उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप उसे कंपेयर कर रहे हैं बाकियों के साथ। यू विल एवरेज डाउन हिज परफॉर्मेंस एंड यू विल एवरेज अप हिज परफॉर्मेंस। ये देखिए एनुअल अप्रेजल का ये रिस्क होता है, मैनेजर मे इनएडवर्टेंटली ना चाहते हुए सबकॉन्शियसली एवरेज डाउन कर देगा ग्रेड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलरली हाई परफॉर्मिंग टीम ड्यू टू एसोसिएटिंग द वीकेस्ट टीम मेंबर रिलेटिव टू अदर्स एज परफॉर्मिंग एट अ लोअर लेवल देन दे एक्चुअली वर व्हेन कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिवली। बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट लिखी हुई है, बड़ी मुश्किल स्टेटमेंट है। मतलब यही है इसका कि ये हाई परफॉर्मिंग टीम है, इसको इवेलुएट करते हुए आप वीकर परफॉर्मर की परफॉर्मेंस को एवरेज डाउन कर देंगे इन कंपेरिजन टू अदर परफॉर्मर्स, जबकि इन रियलिटी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। एंड वाइस वर्सा, कन्वर्सली व्हेन असेसिंग अ पर्टिकुलरली वीक टीम, अब ये वीक टीम है, दिस इज अ वीक टीम,
अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, यू आर एवरेजिंग अप द ग्रेड ऑफ अ पुअर परफॉर्मर इन कंपैरिजन टू अदर्स एज कंपेयर टू अ ट्रूली ऑब्जेक्टिव जजमेंट। ट्रूली ऑब्जेक्टिव जजमेंट क्या है कि पूरी टीम ने परफॉर्मेंस पुअर की है और वन की परफॉर्मेंस भी पुअर है, लेकिन जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो आप वन को बहुत अच्छा कह देंगे क्योंकि वन की परफॉर्मेंस बाकियों से अच्छी है। ये पॉइंट समझ आया? इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट में हम हमेशा परफॉर्मेंस को परसीव करते हैं कॉन्ट्रास्ट में, कंपैरिजन करके, हम कभी भी सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली परसीव नहीं करते। एंड द लास्ट शॉर्टकट इज नोन एज प्रोजेक्शन। मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। जो हम खुद होते हैं वही हम दूसरों में देखना चाहते हैं। हम प्रोजेक्ट करते हैं अपने एट्रीब्यूट्स को, अपने करेक्टरिस्टिक्स को दूसरों के साथ, रादर देन परसीविंग देम ऑब्जेक्टिवली। यानी आप किसी को ऑब्जेक्टिवली परसीव करने की बजाय आप अपनी खूबियां उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। यू ट्राई टू लुक आउट योर ओन एट्रीब्यूट्स इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। थ्री इडियट्स मूवी देखिए, उसमें वो जो करेक्टर था वायरस, वायरस का क्या नाम था उसका, उसने प्रोजेक्शन की होती थी ना, बेटा होगा तो इंजीनियर बनेगा और बेटी होगी तो डॉक्टर बनेगी, दैट इज प्रोजेक्शन। जी तो प्रोजेक्शन नहीं होनी चाहिए, प्रोजेक्शन बड़ी गलत होती है। आप अपने एट्रीब्यूट्स को, अपने करेक्टरिस्टिक्स को किसी में कैसे देख सकते हैं? यू कांट लुक एट इट, नहीं देख सकते, या देखना चाहिए नहीं आपको, यू शुड नॉट। तो प्रोजेक्शंस जो हैं बड़ी पैथेटिक होती हैं, बड़ी बड़ी क्रिटिकल होती हैं, और ये आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है उसको अफेक्ट करती है, काफ़ी डीपली अफेक्ट करती है। ठीक है, इट डीपली अफेक्ट्स द वे यू परसीव। तो प्रोजेक्शन बायस जो है आपका, ये इन्फ्लुएंस करता है आपके फैक्टर्स को। ऑल राइट, सो लेट्स रिस्ट्रिक्ट टुडेज डिस्कशन अप टिल हियर। आज की डिबेट यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह एटीट्यूड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टुमारो वी विल स्टार्ट विद द एटीट्यूड टॉपिक। इस वीक में 11 चैप्टर के सेकंड हाफ का टेस्ट भी है, डे मैं कल अनाउंस करूंगा। आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका इंशाल्लाह आप टेस्ट इस वीक में करेंगे। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू टॉक अबाउट इट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए लेट्स कंक्लूड इट अप टिल हियर फॉर टुडे। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।